गाड़ी चलाना गलत है, कार्यकर्ताओं पे गाड़ी चलाना गलत है, गाड़ी चलाना गलत है, गिरफ्तारी गाड़ी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के हड़ताली चौक पर और आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि चिराग पासवान के साथ साथ उनके सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां पर रोक दिया गया है। जमकर लाठियां बरसाई गई हैं, जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उन पर। चिराग पासवान को भी यहाँ पर रोका गया है। चिराग पासवान को गिरफ्तार करने के लिए पूरा जिला प्रशासन जो है पट्टा के हड़ताली चौक पहुँच चुका है। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम पट्टा के हड़ताली चौक की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चिराग पासवान के कार्यकर्ता और नेताओं पर जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम पटना के हड़ताली चौक की दिखा रहे हैं। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए हैं। तो ऐसे में सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम पटना के हड़ताली चौक की दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि चिराग पासवान के ऊपर भी वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है उनको रोकने के लिए। ऐसे में चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। चिराग जी, आप लोग ऊपर वाटर कैनन और लाठियां बरसाई गई है, क्या कहेंगे? गाड़ियां चलाई जा रही हैं, गाड़ियां रौंदी जा रही हैं लोगों के ऊपर। ऐसे देखिए, ये कानून व्यवस्था उल्टी दिशा में गाड़ियां हम लोग के कार्यकर्ताओं के ऊपर दौड़ाई जा रही है। आंसू गैस पानी की बौछारें ठीक है भाई, पर ऐसे गाड़ियां अगर कोई गाड़ी के नीचे आ गया तो मारना चाहते तो गोली। कि क्या लगता है नीतीश कुमार आपसे बदला लेना चाहते हैं? तो आपने साफ तौर पे सुना चिराग पासवान का कहना है कि पटना पुलिस के द्वारा उन्हें जबरन रोका गया है, उन्हें राजभवन जाना था पर पटना के हड़ताली चौक पे ही चिराग पासवान के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोक दिया गया है और जमकर जो लाठियां हैं वो पुलिस के द्वारा बरसाई गई हैं। सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम पटना के हड़ताली चौक की दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर कैनन के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल की जो तैनाती है वो कर दी गई है। काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है और चिराग पासवान को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। तो सीधे तस्वीर जो है पटना के हड़ताली चौक की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले ही चिराग पासवान ने यह ऐलान किया था कि पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक बिहार बचाओ जो उनका मार्च है वो निकाला जाएगा, पर जिला प्रशासन ने जेपी गोलंबर से उन्हें आगे बढ़ने दिया। डाक बंगला पर भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई पर जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए थे, जिसके बाद पटना पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई है। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम पट्टा के हड़ताली चौक की दिखा रहे हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती कर दी गई है। चिराग पासवान को यहां पर रोक दिया गया है और चिराग पासवान के कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं यहां से आगे बढ़ने का। अब देखना होगा कि क्या चिराग पासवान और उनके कार्यकर्ता जो है वो राजभवन तक पहुँचते हैं या नहीं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।